देशांतर्गत छुप्या पद्धतीने होणारे हल्ले, नक्षलवादी हल्ले यांचा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका असल्याने सीमा सुरक्षा सोबतच अंतर्गत सुरक्षा ठेवणं महत्वपूर्ण बाब असल्याचं मत केंद्रीय राखीव पोलीस दल अर्थात CRPFचे DIG बिरेंद्र कुमार टोपो यांनी व्यक्त केलंय. पश्चिम बंगालच्या सिलीगुडी गावातून नक्षलवारी मोहीम सुरू झाली आणि ती अनेक ठिकाणी विस्तारली गेली. परंतु आज नक्षलवारी गावात कोणत्याही प्रकारचा नक्षलवाद नसून ते गाव विकसित झालंय. नक्षलवादाच्या समस्येने देशाला ग्रासलेला असून तो एक विशिष्ट क्षेत्रापुरता मर्यादित ठेवण्याचं काम CRPFच्या जवानांना यश आलंय. पाकिस्तान चीनच्या सीमेवर काम करताना शत्रूची नेमकी ओळख आपल्याला असते आणि त्याचप्रमाणे प्रभावी योजना आपण आखू शकतो. परंतु नक्षलवादी नेमके कोण आहेत हे ओळखणं कठीण असल्याने ते कुठून हल्ला करतील याची शाश्वती नाही. त्यामुळे CRPFच्या जवानांना सुरक्षा काम करताना जीवावर उदार होऊन आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो अशा भावना टोपो यांनी व्यक्त केल्यात. जैसा सचिन साहब ने बताया कि फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने बताया है, मैं उससे आगे थोड़ा सा जब हमें मौका दिया गया जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा. 1939 में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स खड़ी हुई है. फिर ये सारी ड्यूटियाँ जितना भी बॉर्डर का ड्यूटी हो चाहे इंटरनल ड्यूटी हो सब के सब CRPF ही करती थी. और धीरे धीरे लड़ाइयाँ छिड़ती गई, 62 की लड़ाई चाहे 65 की लड़ाई, फिर बाद में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलग किया गया CRPF से, फिर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी CISF भी नया बना और भी ITBP ये सब बना. तो ये सब जो ये अंग्रेजों के पहले से ही अंग्रेजों के आज़ादी के पहले से ही 1939 का फोर्स है और इसी सब अलग अलग होते गए हैं. अभी मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि आज के समय में आंतरिक समस्या या आंतरिक सुरक्षा हम लोग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है. बाहरी सुरक्षा तो कभी कभार इस तरह से देखने को मिलता है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है. बाहर से जहां कहीं भी, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, हमें पता चलता है कि दुश्मन किधर से आ रहा है और कहां से हम पर अटैक हो रहा है. ये जो हमारी फोर्स लगी हुई है, जो इसका मुख्य काम है CRPF का, हमें पता नहीं चल पाता ये दुश्मन कौन है. ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से करेगा, बाएं से करेगा, दाएं गली में खड़े हैं वो पीछे से आके मार देता है, कोई गाड़ी सटा देता है, कोई ये कर देता है. तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट हो रखा है, ये जिससे फाइट करना हमें काफी दिक्कत पड़ता है. और ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ये कहा इसका नाम कहा गया है, अब रिजर्व नाम की कोई चीज नहीं है. बाकी फोर्स चाहे आर्मी है, उनको पीस पोस्टिंग मिलता है, फिर हार्ड पोस्टिंग मिलता है, पीस मिलता है, हार्ड पोस्टिंग मिलता है. हम लोग लगातार हार्ड ड्यूटी करते चले जा रहे हैं, लगातार हम लोग का उस तरह से हम लोग को पोस्टिंग, जो चाहे वो कश्मीर का मामला हो, पंजाब का मामला हो, झारखंड, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे ये सारा का सारा रेड कॉरिडोर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, तो इस तरह से हमारा जो ड्यूटी है इस तरह से. जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात CRPFचे जे जवान शहीद झाले त्यापैकी 15 कुटुंबियांना पुणे सराफ असोसिएशनच्या वतीने प्रत्येकी 1,00,000 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पुणे सराफ असोसिएशनच्या अध्यक्ष फतेचंद रांका, CRPFचे डेप्युटी कमांड सचिन गायकवाड, असिस्टंट कमांड S भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते.